आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीकोप टेबलेट के बारे में, इसके उपयोग के बारे में, इसके डोज के बारे में, कितना इसको लेना चाहिए और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों अगर बात करें लीकोप टेबलेट के उपयोग के बारे में, तो सबसे पहले आप ये जान लो ये एक प्रिस्क्रिप्शन से मिलने वाली दवा है, यानी इसका उपयोग तभी करना चाहिए जब आपका डॉक्टर आपको सलाह देता है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये एक एंटी हिस्टामाइन नामक दवाओं से संबंधित है, यानी कि इसका उपयोग जब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नाक पैता हो या फिर छींके आ रही हो या फिर पूरे बदन में कहीं कहीं पे खुजली हो रही है तो उस समय, या फिर आंखों से आंसू आ रहा है तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो इसको दिन में 1 से 2 बार दिया जाता है, खाना खाने से पहले या तो फिर खाना खाने के बाद में आप इसको ले सकते हैं। इसका प्राइस 10 टेबलेट का एक स्ट्रिप आपको 30 से 35 रुपये का मिल जाता है, या आपके उधर एरिया में रेट घट बढ़ सकता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। इसके साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो इसके कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, जैसे मुंह में सूखापन होना, मतली आना, उल्टी होना, इसके अलावा वीकनेस महसूस होना, थोड़ा बहुत चक्कर आ सकते हैं या फिर नींद आ सकती है, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि बहुत बड़े साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, किसी किसी में होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को एलर्जी से संबंधित कोई दिक्कत होता है, वो चाहे अगर किसी कोई कीड़ा भी काट ले तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है, चाहे कोई बहुत ज़्यादा मक्खी काट लेता है या फिर कोई धान वगैरह में जो नहीं होता कीट छोटा छोटा वो अगर काट लेता है तो उसकी जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा दवा होता है, इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।